हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कैबिनेट की मीटिंग हुई, क्योंकि यहां हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं बहुत परेशान थे स्कूल के सिस्टम को लेके, स्कूल के इम्तिहान को लेके। जो मार्च का सिस्टम था स्कूल के इम्तिहानों का, उसको लेके हमारे बच्चे बच्चियां उनके मां बाप परेशान थे। और ये स्कूल का वक्त तय करना ये तो हमारा हक था, ये 2019 के बाद हमसे छीना गया। और इसलिए हमने कहा कि यहां मां बाप बच्चों से बात करके हम अपना ये हक हासिल करेंगे वापस, और खुद तय करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या होगा। और फैसला हुआ, आज ऑर्डर जारी हुआ। सिर्फ 10वीं 11वीं और 12वीं जमातों के लिए ऑर्डर अगले साल लागू होगा, बाकी बच्चों के इम्तिहान इसी साल खत्म होंगे, फिर सर्दियों में वो ट्यूशन वगैरह और अगले साल की तैयारी कर सके। इसी तरह मैं इलेक्शन में बार बार आपसे कहता रहा कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है, इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिले कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए, जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। इसी तरह 3 दिन पहले जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना खुतबा असेंबली के सामने पेश किया, उसमें जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे, इंशाल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो हवा में बात करके भूल जाएं। हमने आपसे वादे किए हैं, उन वादों के बुनियाद पे हमने आपसे 5 साल यहां हुकूमत करने की इजाजत हासिल की है, और इंशाल्लाह आप देखें इन 5 सालों में हम एक भी दिन जाया नहीं करेंगे, आपकी खिदमत और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा था आपको मेहनत एक दिन करनी होगी, जिस दिन आपको पोलिंग बूथ में जाके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। आपने मेहनत की, अब 5 साल के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, मेहनत हम लोग करेंगे और उसका फायदा आपको हासिल होगा। अब रही बात मुझे ढूंढने की या ना ढूंढने की, नासिर ने मेरी तकरीर का आधा हिस्सा तो आपको खुद ही सुना दिया,
आपको श्रीनगर मुझे आके ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पहले तो तय किया था कि मैं यहां नुनर मनीगाम साइड में कोई मकान देख लूंगा, लेकिन मैंने मुझे लगा वो आपके लिए ज्यादा दूर पड़ेगा। आपके लिए वहां आना और गुप्का रोड आना एक ही बराबर है, इसलिए फिर तय हुआ कि यहां जो हमने डाक बंगला बनाया हुआ है फतेहपुरा में, मैं उसी को अपना घर और दफ्तर बना के वहां से ही आपको मिलने का काम करूंगा। हफ्ते में कम से कम एक दिन जनाब नासिर साहब वहां पे आएंगे, कम से कम एक दो दिन मुदसिर शामीरी साहब आएंगे, और मेरी भी लगातार कोशिश होगी कि कम से कम हफ्ते में एक बार मैं वहां पे आके आप सबों से मिलूं, ताकि बातचीत का सिलसिला रहे, काम जो है चलते रहे। कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौरा करने का मौका मिले, और जिस तरह नासिर ने सही कहा, नहीं तो हुकूमत में क्या हो जाता है, आपके और मेरे दरमियान एक फासला बन जाता है। मेरे लिए बहुत आसान था सीधा गाड़ी से उतर के यहां स्टेज पे चढ़ के अपनी कुर्सी पे बैठना, लेकिन मैं वहां आया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि एक मैं आपके साथ हाथ मिलाता रहूं, आपके साथ गले लगता रहूं, और ये दूरी ना बने, क्योंकि इस दूरी का फिर वो लोग फायदा लेते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खैर खां नहीं हैं, जो हमें कमजोर करना चाहते हैं, और मैं वो यहां पे गांदरबल पे नहीं होने दूंगा, ये आप मेरे से वादा ले लीजिए।